चंद्रास किचन में आप सभी का स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बिल्कुल ही डिफरेंट वीडियो। आपने अभी तक ये वीडियो YouTube में कहीं नहीं देखा होगा और ये रेसिपी जो है ये यूपी की रेसिपी है। बेसिकली हमारे जो मम्मी वगैरह हैं वो और दादी इन सब की ये रेसिपी है, ये आपको ऐसे कहीं मिलेगी नहीं देखने को। और ये रेसिपी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, इसलिए मैं इसे इस चैनल पर लेकर के आई हूँ। ऐसे मैंने पहले आंवले की भी रेसिपी एक डाली थी। ये हल्दी की रेसिपी है, भुनी हुई हल्दी की, जो कि कुछ मसालों के साथ में मिक्स होके बनती मसाले जो हमारे शरीर को फायदा करते हैं, अजवाइन नमक। तो ये कैसे बनेगी इस प्रोसेस को आप ठीक से देखिएगा, इसमें जो क्वांटिटीज यूज की गई है वो ठीक से देखिएगा, क्योंकि ये जो हल्दी है वो काफ़ी गर्म होती है और स्पेशली ये सिर्फ सर्दियों में खाई जाती है। इसके फायदे हैं जब आप डिलीवरी होती है तब आप इसे यूज कर सकते हैं, उसके बाद जब आपको खांसी जुकाम वगैरह होता है उसमें आपके शरीर में अगर दर्द रहता है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। ये आपके शरीर को गर्मी देती है जिससे कि आपको अगर इस तरह की कोई भी बीमारी है उससे आप आसानी से निकल सकते हैं। ये एक घरेलू नुस्खा है। तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये है हल्दी, ये 200 ग्राम हल्दी है और इसे मैंने 3 दिन के लिए भिगो दिया था, क्योंकि इसे इतना भिगोना बहुत ज़रूरी है ताकि ये आसानी से हाथ से टूट जाए। ये देखिए इस तरह से ये टूट जानी चाहिए, तभी आपकी हल्दी बनाने में खाने में टेस्टी लगेगी। तो इस बात का ध्यान रखें। और जब हल्दी आप देख रहे हैं साइज़ में भी कितनी ज़्यादा डबल हो चुकी है, पतली पतली गांठ थी और ये अच्छे से फूल करके कितनी ज़्यादा डबल ट्रिपल हो चुकी है, ऐसी हमें हल्दी चाहिए। तो ये 2-3 दिन हमें इसे भिगो करके रखना है और पानी से निकाल के अच्छे से इसे हमें धो लेना है। तो पहले मैंने इसे वॉश भी कर लिया था, फिर ये मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरह से ये अच्छे से 2-3 बार वॉश करके फिर इसे हम चाकू से काट लेंगे। 2 तरीके हैं, आप चाहें क्योंकि हल्दी काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है तो आपके लिए आसान हो जाता है चाकू से काटना, नहीं तो आप इसे इस तरह से खलबट्टे में डाल करके क्रश कर सकते हैं। फिर छोटा खलबट्टा आपके पास बड़ा हो तो उसमें अच्छे से डाल करके आप क्रश, ये भी बहुत आसान सा है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो जो आपको कन्वीनियंट हो, हल्का हल्का मतलब दबाना है तो इस तरह से हो जाए। ये क्यों होगा ये अभी आपको आगे पता चल जाएगा, इसलिए ये प्रोसेस करना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो चीज़ है ये है हरड़। हरड़ आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है खांसी के लिए। तो कुछ बड़ी है कुछ छोटी है, ये आप देख सकते हैं। ये मैंने 20 ग्राम ली हुई है। उसके बाद में ये है अजवाइन। अजवाइन भी आप जानते हैं पेट के लिए हर तरह से बहुत फ़ायदेमंद होती है। 1 जो हमारा सर्विंग स्पून होता है, टेबल स्पून, वो मैंने लिया हुआ है। ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा ये काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है। तो 1 जो हमारा सर्विंग स्पून होता है वो हम लेंगे और सबसे पहले हम अजवाइन को भून लेंगे। तो इस तरीके से हमें अजवाइन को भूनना है, अच्छी खुशबू आने लगे। मीडियम फ्लेम में हमें इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है। तो ये देखिए ये अजवाइन हमारी भुन गई है काफ़ी अच्छे से, इसमें अच्छी खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी। भूनते भूनते इसे हम निकाल लेते हैं। अब दूसरे प्रोसेस में हम ये जो ली हुई है हमने हरड़, इसे हमें भूनना है। तो ये बहुत ही मतलब अच्छी आपको दिखेगी भूनने के बाद। ये देख रहे जो छोटी छोटी थी वो फूल गई हैं, यानी कि ये भूनते भूनते फूल जाएंगी और इतनी मतलब सॉफ्ट हो जाएंगी कि आप इसे ऐसे दबाएंगे ना तो ये फूट करके अलग हो जाएगी। तो इस तरह जो छोटी वाली है उसको भूनने में थोड़ा कम टाइम लगेगा, बड़ी वाली को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये देखिए ये भी भून गई है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। और ये जो चीज़ें हैं ये हमारी पाचन क्रिया को, हमारे शरीर को बहुत बहुत फ़ायदा पहुंचाती हैं सर्दियों में। तो ये देखिए हल्दी को हम इसलिए कूटा था हमने क्योंकि ये हमें पकानी है सरसों के तेल में। सरसों का तेल ही यूज़ करिए, चाहे तो आप फिर देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें ये हल्दी जो हमने कूट करके या काट करके रखी हुई है वो इसमें हम डाल देंगे और इसे भी हमें पकाना है। अब इसका पकाने का भी एक ट्रिक है, इसे हमें देख रहे हैं आप पका रहे हैं तो बबल्स आ रहे हैं, धीरे धीरे बबल्स कम हो जाएंगे काफ़ी और इसका कलर जो है चेंज होने लगेगा। हल्दी इतनी पक जानी चाहिए कि जब उसे आप तोड़े तो वो बीच से आराम से हाथ से टूट जाए। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे इसमें बबल्स काफ़ी कम हो गए और आपने देखा कि ये धीरे 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 करके, तो पहले हाई फिर मीडियम फिर लो फ्लेम में हमें इसे पकाना है। तो ये देखिए हल्दी को हम जो आपका बड़ा टुकड़ा हो उसे आप तोड़ करके देख लीजिए, तो इस तरीके से तोड़ेंगे ना तो ये देखिए इस तरीके से ये आराम से टूट जा रहा है, कट से आवाज़ आएगी इसकी टूटने पे।
तो ये हल्दी परफेक्टली भून करके तैयार है। अब इसे हम सरसों के तेल से निकाल लेते हैं और ये जो बचा हुआ सरसों का तेल है इसे आप खाना बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं, सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। सरसों का तेल सर्दियों में बहुत फ़ायदा करता है, इसलिए आप सरसों का तेल यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अब ये देखिए जो हरड़ थी ये हम पीस लेंगे, तो ये ऐसे ही पीस जाएगी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि इसे कूटना है, क्योंकि ये भुनने के बाद सॉफ्ट हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से इसका पाउडर बन करके तैयार हो गया है, आप देख रहे हैं कितना बारीक पाउडर बना हुआ है। उसके बाद अजवाइन का भी हमें पाउडर बना लेना है, तो ये अजवाइन भी भुन गई है और इसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो ये देख रहे हैं हरड़ और अजवाइन। अब इसके बाद ये जो हल्दी है आप देखिए फिर से चेक कर लीजिएगा, ये तो ठंडी हो जाएगी तो और अच्छे से आपको पता चलेगा कि ये अच्छे से पक गई है या नहीं। अब इसको भी हम पीस लेंगे, ये देखिए इस तरीके से भी, ये थोड़ी सी दरदरी रहेगी, बहुत बारीक नहीं होगी और इसे छानने की भी ज़रूरत नहीं है। मज़े की बात तो ये है, ये देखिए आपको दिख रहा है ये कि किस तरीके से इसका पाउडर बना है, उसे भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। ये जो रेसिपी है ये इम्यूनिटी बूस्टर है, ये आपके शरीर को गर्म रखती है, आपके जो सर्दी ज़ुकाम है, आपके शरीर में जो दर्द होता है, डिलीवरी के बाद भी इसे दिया जाता है। डिलीवरी वाली अगर लेडीज़ को देना है तो इसमें आप थोड़ी सी पिपरी मिला सकते हैं, वो भी बहुत फ़ायदा करती है। चाहे तो एक दो टुकड़ा पिपरी का भी इसमें मिला दीजिए, जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद देने के लिए, ये शरीर को ताकत देता है और ये इम्यूनिटी बूस्टर है। जैसा कि माहौल है उसमें तो इस तरह की चीज़ें जो घरेलू नुस्खे हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा काम के होते हैं। तो अभी हमने मिक्स कर लिया, अब इसमें हम मिला देंगे काला नमक। तो ये जो नमक है वो टेस्ट पे डिपेंड करता है, पर इतने मिक्सचर पे मैं 1 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून में मिला रही हूँ सफ़ेद नमक। उसके बाद आप इसे टेस्ट करके देख ले, अगर आपको थोड़ा सा कम लग रहा हो तो आप इसे थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसे सबसे बेस्ट तरीका है हाथ से मिलाने का, क्योंकि जो सारी चीज़ें हैं वो अच्छे से तभी मिक्स हो पाएंगी, स्पून से उतना अच्छे से मिक्स नहीं होता। तो इसे हाथ से हमें, वहाँ आपके हाथ पीले हो जाएंगे लेकिन बहुत अच्छे से ये मिक्स होना चाहिए, तो खाने में इसका मज़ा आ जाएगा आपको। और ये जो रेसिपी है इसको आप बना करके 1 साल आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, कोई फ्रिज में स्टोर करने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही आप बाहर एयर टाइट कंटेनर में रख दीजिए, ये स्टोर रहेगी। और बस थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं, तो ये बढ़िया सी हल्दी बन करके तैयार है। इसे आप रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ भी मिक्स करके खा सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि रोटी के साथ आपको कैसे खाना है, इसका जो फ्लेवर है वो दुगना हो जाएगा। तो देख सकते हैं कितनी बढ़िया दिख रही है ये, तो अब इसे हम खाएंगे कैसे, चलिए एक बता देती हूँ। तो ये रही एक रोटी, इसमें हम थोड़ा लगा लेंगे घी, आप चाहे सरसों का तेल भी लगा सकते हैं, और उसके ऊपर इस हल्दी को हमें स्प्रेड कर लेना है जितना आप जैसे खाना चाहें। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने स्प्रेड कर लिया है, फैला करके आप इसे रोल करके और बस तोड़िए और खाइए और इन्जॉय कीजिए और सारी बीमारियों को दूर भगाइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।